प्रियकरासोबत पळून गेलेल्या पत्नीला पतीने झाडाला बांधून केली मारहाण। रतलाम जिल्ह्यातील अलोट येथे महिलेला झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली। ही क्रूरता इतर कोणी नसून महिलेचा पती आणि कुटुंबियांनी केली आहे। तर तारागड गावात राहणारी महिला तिच्या प्रियकरासह पळून गेली होती आणि त्याच्यासोबत राजस्थानमध्ये राहत होती। पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी महिलेला तारागडच्या घरात येण्यास नकार दिला, तरीही महिलेला तिच्या पतीच्या घरी राहायचे होते। यावरून वाद झाला। महिलेने प्रियकराला सोडले आणि पतीच्या घरात राहू लागली। त्यानंतर पती थनुलाल सह त्याचा भाऊ आणि कुटुंबातील इतर सदस्य मुकेश नायक, मोहन नारायण, कमल, विक्रम आदींनी महिलेला दोरीने बांधून बेदम मारहाण केली। या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध कलम 326, 342, 506, 34, 294 अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक केली आहे। महिला है जो करीब करीब फरवरी मार्च में अपने घर से पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ भाग गई थी। जो 5-7 दिन बाद दस्तयाब हुई थी, दस्तयाब होने के बाद में भी जिस लड़के के साथ भागी थी उसी के साथ में रहने की सहमति दिया था और उसी के साथ में राजस्थान में चित्तौड़ के आसपास में कहीं रह रही थी। परिवार वालों ने जो पति है अपने अन्य परिवार वालों के साथ में उसको मना कर दिया था कि ठीक है जब उसके साथ में रह रही है तो वापस घर मत आना, किंतु कल वो वापस आई और घर में जबरदस्ती रहने का प्रयास किया तो उसके पति वो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसको पेड़ के नीचे रस्सियों से बांध दिया और उसके साथ मारपीट करी है। चूँकि सिर में उसके गंभीर चोट लगी थी तो धारा 326 के तहत उसका प्रकरण कायम किया है और उपचार के लिए उसको रतलाम भेजा है। अभी उसकी स्थिति ठीक है और मारपीट करने वाले सभी 7-8 आरोपी हैं, उनको राउंडअप कर लिया है। और आणखी नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आताच आमच्या इंडिया स्टार 1 न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाइक करा, शेअर करा। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया स्टार 1 न्यूज, अलोट, रतलाम।